हेलो भाई, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आप लोग का बहुत रिक्वेस्ट था और कमेंट भी बहुत सारा आया था मेरे चैनल में कि आप लोग एक साथ में ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हो, एक साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। तो गाइस, फाइनली आज हम लोग एक साथ वीडियो बना रहे हैं बैठ के दोनों। तो आप लोग का बहुत सारा कमेंट था, तो बाकी मैंने पैसे वीडियो बनाया है तो कुकिंग वगैरह का साथ में हम लोग बनाया है, जिसमें मतलब ऐसे ही कुकिंग करते हुए दिखाया, ज़्यादातर देखा होगा आपने। तो गाइस, हम लोग आज आप लोगों की क्यूएनए का ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों का सवाल का ऊपर ही। आप लोगों ने काफी सारा सवाल पूछा है बहुत लोगों ने कि आप लोग का कैसे मतलब शादी कैसे हुआ, या कैसे मिला था, या अभी मतलब निकाह हुआ था ना, क्या हुआ था, उस सबको मतलब आंसर चाहिए आप लोगों को। तो वो सब चीज में बारे में अभी बताऊंगा जो जो हो सकता है जितना। और गाइस, आप लोगों का क्वेश्चन था आप लोग का शादी कैसे हुआ। तो शादी हम लोग का ऐसा हुआ कि हमारा मतलब इनका घर वाला तो ये नहीं कर रहा था, राजी बात नहीं हो रही थी। राजी मतलब नहीं हो रहा था क्या, मतलब कुछ फैमिली राजी था कुछ नहीं था, ऐसा था मतलब कुछ सिचुएशन। आप लोग को और तो गाइस पता ही है हिंदू मुस्लिम में कितना चलते रहता है, तो इसके वजह से मेरी घर वाले राजी नहीं थे पहले। फिर हम लोग ने कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज करने के बाद फिर मेरा हस्बैंड का मम्मी ने फिर घर पे फिर आपका निकाह करवा दिया, तो वैसे ही हम लोग का शादी हुआ। तो गाइस, इसी तरह हम लोग का फिर शादी हो गया। मतलब ये होने पर मेरा माँ ने, मेरा मतलब घर वाला ने सोचा कि इनको निकाह करवा देता है, फिर घर में निकाह हो गया। और इसके बाद हम लोग का बेटी हो गया। बेटी होने के बाद वही इससे ही मतलब बिजी रहा, बहुत कुछ लाइफ में बदल गया, उसके बाद बहुत सारा स्ट्रगल हुआ। बहुत सारा स्ट्रगल हम लोग ने किया वो बेटी होने के बाद। वैसे ही लाइफ मतलब उस टाइम में सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं था, जब मेरा बेटी हुआ था तो अकेला ही सब कुछ करना पड़ा था। तो बहुत मतलब उस टाइम बहुत लंबा मतलब स्ट्रगल लाइफ चला था शुरू में, स्टार्टिंग में। तो वैसे तब हम लोग रेंट में कहीं और रहते थे, आप लोग को कहानी शुरू का पता ही है। तो फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, ऐसे मतलब कहानी चलता रहा। तो कुछ घर में भी ऐसा था, बाद में धीरे धीरे ठीक हो गया। और इसका घर में क्या है ना, इसका घर में तो 2-4 दिन, एक दो दिन बाद ही ठीक हो गया था ना, अपना घर गया एक दो दिन नहीं, 3-4 दिन था। लगा। 3-4 दिन बाद ही मतलब घर गया था अपना, इसका भाई मतलब बाद में छोड़ के गया। तो ऐसे ही मतलब इसका घर के तरफ से भी ठीक हो गया, कुछ झगड़ा वगड़ा ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सिंपल ही मतलब सिंपल मैटर सॉल्व हो गया। मेरा घर में थोड़ा बहुत था तो थोड़ा टाइम चला, लंबा चला। तो लंबा चलने की वजह से टाइम लग गया फिर यहाँ पे हमको शिफ्ट होने में। फिर उस टाइम में मैं शिफ्ट भी मतलब काम वाम भी वैसे नहीं कर पा रहा था कि उस टाइम दिक्कत हो रहा था, हम लोग अलग जगह में रह रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो वैसे ही हम लोग का लाइफ चलते गया है। हम लोग फिर स्ट्रगल करते गया चलते गया, तो चलते चलते आज मेरा बेटी 6 साल की हो गई है। वो बहुत बदमाश है, वो वीडियो में आप लोग ने देखा ही होगा। तो गाइस, ऐसे ही मतलब चलते चलते अभी चलिए इतना आ ही चुका, आप लोग ब्लॉग में देख ही चुका है। तो धीरे धीरे मतलब इस तरह आ चुका है हम लोग अभी। तो फिलहाल बाकी ये है कि अभी इनका मतलब देखिए दूसरा कास्ट से आया, मेरा कास्ट में आया। तो अभी कौन सा मतलब रिलीजन फॉलो कर रही है फिलहाल, तो ऐसा कोई फिलहाल तो अभी मैं ना हिंदू धर्म में हूँ ना मुस्लिम धर्म में, मैं मतलब बीच में मतलब लटक रही हूँ, वैसी हो रही है ये। अब मैं कौन सा धर्म मानूँ ऐसा मेरा हो रहा है। मतलब ये मतलब कहना ये चाहता है मतलब अभी मतलब इस्लाम का जो भी है, हम लोग का मुसलमान का है, वो अभी तक फॉलो नहीं किया, मतलब ठीक से कुछ भी फॉलो नहीं किया है। और अपना वाला फॉलो तो शुरू से अच्छा से नहीं करता था, बोला था कि हाँ कभी कभी चला जाता है, अभी भी चला जाता है, पूजा उजा होने से बोला ठीक से फॉलो नहीं करता। तो मैंने बोला तो ठीक है, तुमको जो लगता है वो फॉलो कर लो। तो बोला ठीक है देखता है। तो अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है, अभी हो सकता है बाद में जाके अपना पुराना कंटिन्यू रखे, या अभी जो इस्लाम का है हो सकता है इधर मेरा वाला कंटिन्यू करे। तो ऐसा कुछ हो सकता है, अभी पता नहीं है, अभी तक वो डिसीजन नहीं लिया, अभी सोच रहा है, तो अपने हिसाब से सोचेगा गाइस। तो वही मैं सोच रही हूँ अब इस्लाम में सीख लूँ अच्छे से, नमाज पढ़ना ये सब। वैसे
टाइम की वजह से भी मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बेटी को देखना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, तो वही सब वैसे ही मेरा भी अभी मतलब हम लोग क्या ना अलग से रहता है, फैमिली जॉइंट फैमिली नहीं है, हम लोग अलग रहते हैं और बाकी मेरा उन लोग अलग रहता है, मेरा खाना पीना उन लोग सब कुछ अलग है, सेपरेट है, हम लोग मतलब खुद कमाते हैं खुद खाते हैं और सिंगल है सब कुछ, और इसी वजह से हम लोग टाइम नहीं होता, बेटी छोटा था उसको बड़ा करते करते मतलब बहुत टाइम चला गया तो कुछ भी नहीं कर पाया, इसको भी टाइम नहीं मिला अपने हिसाब से कुछ भी मतलब करने के लिए आगे बढ़ने के लिए, तो अभी थोड़ा बड़ा हो गया तो अभी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता तो अभी सोचा है कुछ मतलब आगे करेगा, सोच रहा है क्या करेगा नहीं, तो अभी तक वो डिसीजन नहीं लिया, तो वही चीज़ है सोच रहा है। और मेरा बेटी आज 3 दिन से मैंने उसको मकतब में दिया है, तो मकतब जा रही है, मकतब में जाके वो बहुत खुश है, पहला दिन जाके वो इतना खुश हो गई कि नेक्स्ट दिन वो सुबह से रेडी हो गई कि मुझे मकतब जाना है, अभी अजान देगी सुबह सुबह, तो जल्दी से मुझे नहला दो, मैं नहा के फिर जाऊंगी, तो मुझे हंसी आने लग गई, फिर मैंने बोला बेटी को कि अभी नहीं 4 बजे को जाना पड़ता है, तो वैसे वैसे तो मेरा अलग एक्सपीरियंस है ना, तो स्कूल मतलब स्कूल से ज़्यादा उसको इंटरेस्ट आएगा, अभी नया नया दिया 6 साल में, मैंने सोचा था देगा दूंगा दूंगा करते 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 6 साल मतलब 6 साल क्रॉस ही हो चुका है, तो सबने बोला कि दे दो, मैंने ठीक है भेज ही देता है, तो भेज दिया उसको, पहला दिन से उसको अच्छा लग गया तो अभी पढ़ने लग गया गाइस, और गाइस बहुत लोगों का ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट भी करते हैं बहुत खराब खराब, अब देखिए सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है कौन कैसे ज़िंदगी जीता है, कौन कैसे सोचता है क्या नहीं सोचता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन नेगेटिव बहुत लोग भी कमेंट करता है, पॉजिटिव बहुत ज़्यादातर लोग पॉजिटिव ही कमेंट करते हैं, मैंने अभी तक जितना मिला पॉजिटिव ही मिला, कुछ लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं बहुत खराब खराब भी कमेंट करते हैं कैसे। तो मुझे थोड़ा नर्वस फील होता है मुझे वीडियो करने में, तो मेरा पतिदेव मुझे बोलते रहते हैं कि वीडियो में आओ, तो मैं फिर बोलती हूँ मैं क्या बोलूँगी वीडियो में आके, मुझे तो बहुत नर्वस होता है नर्वस फील होता है कभी, क्योंकि मैंने ऐसे वीडियो बनाया नहीं है, तो आज मेरा पहला टाइम है कि मैं वीडियो में बात कर पा रही हूँ, तो वही गाइस ऐसे ही वीडियो में बात ही नहीं कर पाती है, मतलब कैमरे के सामने आवाज निकलती है नर्वस हो जाती है, तो आज पहली बार इसको मैंने बोला ठीक है आज बैठ जाना, नहीं होगा तो मैं देख लूंगा, तो ऐसे मतलब लोगों ने कहा, इतना लोगों ने कमेंट किया रिक्वेस्ट किया है, इसीलिए मैंने बोला चलो एक बनाना बनता है तो जरूरी भी है, लोगों को ऐसा लगना नहीं चाहिए, इसीलिए आज बनाया फाइनली, तो लोगों को लगे हाँ मतलब जो रिक्वेस्ट था उसी हिसाब से मैंने बनाया, आप लोगों का कमेंट भी था बहुत लोगों का जानना भी चाहता था, तो गाइस आई होप आप लोगों का सारा मतलब सवाल का आंसर मिल गया है, कुछ बाकी रह गया तो कमेंट में आप लोग जरूर पूछ सकते हो, ठीक है गाइस, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।